हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। सो और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो एंड लेटेस्ट रिकमेंडेशन रिलेटेड टू शेयर, कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, अभी क्या सिचुएशन है शेयर की, इज़ दैट इन प्रॉफिट और वॉट। सो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मिलेंगी। सो उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, हम बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, काफ़ी अच्छा शेयर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है ये पुणे की। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, फाइबर ऑप्टिक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इवन भारतीय एयरटेल के साथ भी एक डील हुई थी, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपको। उससे पहले हम इसका मैक्सिमम ग्राफ देख लेते हैं। मैक्सिमम ग्राफ देखें तो इसका मैक्सिमम ग्राफ देखें तो ये अराउंड 450 रुपये हुआ करता था 2018 में, नवंबर 2018 में, और अभी ये 143 रुपये पर है। अगर इसका मैं अगर टारगेट सेट करूँ तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अराउंड इसको 200-250 रुपये के आसपास देखता हूँ मैं। सो काफ़ी अच्छा शेयर है, नो डाउट 250 रुपये के आसपास चला भी जाएगा ये, क्योंकि अभी बैक टू बैक न्यूज़ भी आ रही है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसने लास्ट क्वार्टर भी इसने प्रॉफिट लिया था अच्छा, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर का कंपेरिजन करें तो इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.5 गुना नीचे चला गया था। सो बट इसका अगर डिविडेंड की बात करें तो 3.5 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, जो कि ऑलरेडी सबको मिल चुका है। अगर ये टाइमली डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, उससे पहले उसने जुलाई 2019 में भी 3.5 रुपये डिविडेंड दिया था, तो कंटिन्यू डिविडेंड की हिस्ट्री है इसकी, काफ़ी अच्छी है। टाइमली डिविडेंड शेयर करता है शेयर होल्डर्स को। अगर इसका 52वीं हाई देखें तो 174 रुपीज़ है, जो कि 26 अगस्त को ये हाई पे था। तो अगर पहले का रिकॉर्ड देखें तो ये 400 रुपये के आसपास था, तो काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर इसकी न्यूज़ की बात करें तो बैक टू बैक न्यूज़ आ रही है। इवन इसका जो CFO है मिस्टर अनूप जिंदल, उन्होंने रिजाइन किया था 3 सितंबर की न्यूज़ है, जिसकी वजह से 2% डाउन चला गया था। तो जो अनूप जिंदल जी हैं, उन्होंने अभी बायकॉन को ज्वाइन कर लिया है। जो न्यूज़ है वो मैं दिखा भी देता हूँ। बायकॉन अपॉइंट्स अनूप जिंदल एज न्यू CFO। तो ये जो अनूप जिंदल जी हैं वो स्टरलाइट को छोड़ के बायकॉन में चले गए थे। उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनी थी एक वेदांता ग्रुप, जो कि उसने 22 साल इसने उस ग्रुप CFO उसने स्टरलाइट में स्पेंड किए हैं, जो कि वेदांता ग्रुप है। ये जिंदल वर्क विद द वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 22 ईयर्स, वेयर ही हेल्ड द पोजिशन ऑफ ग्रुप CFO एट स्टरलाइट सिंस 2006 से ग्रुप CFO का रोल इसमें अनूप जिंदल जी का था इसमें। उसके बाद इन्होंने बायकॉन ज्वाइन कर लिया। काफ़ी अच्छे, काफ़ी माइंडेड बंदे हैं। सो गाइज, हम एक और न्यूज़ की बात करें। स्टरलाइट टेक हैज़ गोट जस्ट गोट अ शॉट इन द आर्म फ्रॉम एयरटेल। तो एयरटेल से भी इसका एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है, तो इसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, काफ़ी सारे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बैक टू बैक न्यूज़ भी आ रही हैं, प्रॉफिट में भी है कंपनी। सो गाइज, इसको ट्राई कर सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, और एक स्ट्रॉन्ग एवरेज बना सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकें। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।